की तरह ग्याज आया गोन प्रोग्राम चलते सीने भाई मनजीत सरोवा कल तड़के तड़क बख्ता लिए बराता श्री राम राम भाई ने जय रेडू अपना साथी हरियाणा पुलिस का जवान मेरे भाई को राम राम सारे भाईचारे न भाई, भाई सबसे पहले तो हाथ जोड़कर राम राम जितने मेरे साथी जुड़ रहे हैं एक बार सारा भाईचारा जुड़ो कल रात के फोन लाग रहा क्योंकि एक इंसान कितने रिप्लाई करे भाई, कितने, कितने जवाब दे एक बारी जितना भी मेरा भाईचारा है मैं पूरी बात बता दू के मैटर था यो किस मारे क्या करना है और कल का के प्रोग्राम है ताकि आप लोग ना भाई न सब न पता लाग सके विकी फोड़ भाई राम राम। ये अगर मैं ठीक हूं तो अपने भाई का भाई साथ देने के लिए आ जाइ आना जरूर है आना किस लिए वो आप लोगों को मैं बता दू बात सुनो सारी क्या मैटर था यो कैसे क्या हुआ एक बारी ढाई हजार साथी जुड़ चुके हो आप सभी साथियों से एक विनती करता भाई थारा भाई नीचे शेयर का बटन होगा उसको दबाओ दबाते ही सोड़े हाथ शेयर टू ग्रुप लिखा होगा एवं पांच पांच ग्रुप आम आज वीडियो जरूर जानी चाहिए हर ग्रुप में जानी चाहिए क्योंकि आज जरूरत मेरे को है भाई जिसकी जैसी भी मेरे तो मदद हो मदद बनी मन करने की कोशिश करी सतपाल में लमेरा भाई बादरा से राम राम भाई को भी जिसकी भाई मेरे से जैसी मदद हुई मन मदद करी है लेकिन आज जरूरत खुद हरस को को भाई मैटर क्या था आज से लगभग शायद बीस दिन हो गए होंगे पच्चीस दिन हो गए होंगे हरियाणा की भाजपा की अभिनेत्री हरियाणवी कलाकार श्रीमती सपना चौधरी को लड़का हुआ था याद भी नहीं हुआ नबीना होलिया बीस दिन होलिया पच्चीस दिन लड़का होने की मन बधाई दे दी थी आज भी पोस्ट पड़ी पाओगी अरस्यकारा पेज पर पे खोल कर चेक कर लो उस बधाई के ऊपर मन्ना लिखा था हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी को मां बनने पर वीर साहू को पिता बनने पर टीम अरस्यकारा की तरफ से हार्दिक बधाई यह बात लिखी पाओगी भाई आज भी चेक कर सकते हो आप लोग अच्छा इसके बाद क्या होता है अगले दिन सपना चौधरी का पति देव वीर साहू लाइव आता है वो लाइव आकर बताता है पहले तो मेरे दो पत्रकार आगे फोन आए सपना के यो के था पीए है, है असिस्टेंट मैनेजर जो भी उसका फोन आया भाई फेक खबर है काट दे ना तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे मुन्ना कही भाई मुकदमा दर्ज करा दो मैं कोर्ट में जवाब दूंगा अगर झूठी खबर है तो मेरी खबर अगर झूठी निकली तो मैं कोर्ट में जवाब दूंगा क्यों परेशान कर रहे हो भाई मेरे पास कॉल कर करके आप लोगों को लगता है कि झूठी है आप एफ दर्ज कराओ मैं कोर्ट में आके या थाने में आके उस बात का जवाब दूंगा इसके बाद अगले दिन खुद लाइव आके वीर साहब ये कहता हाँ भाई मैं पिता बन गया हूं उनकी वीडियो सुन लेना वो खुद लाइव आके ये कबूल करता हाँ मैं पिता बन गया हूं और मैं किस तब्या किस लिए क्यों बताऊ किसते ब्याह करिए कर क्यों कर पर्सनल लाइफ है जिसके बारे में मैं कोई कमेंटमेंट कोई बात नहीं करना चाहता ना ही मैंने उनकी पर्सनल लाइफ तो को लेना देना लेकिन मेरी कमी जो थी वह थी मन ने दी थी बधाई हरियाणा को मां बहन की जिसी भी उस ताई उतनी बूढ़ी बूढ़ी उसने गालियां दी उसके पेज पर जाकर आप लोग सुन सकते हो उसने गालियां दी घर आकर मैं ये कर दूंगा और घर आका मैं वो कर दूंगा सबको सबको दी किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष को नहीं पूरे हरियाणा को जिसके ऊपर नवीन पंगाल मायना नवीन पंगाल मायना ने लाई हुआ कह और ये कही भाई तू पूरे हरियाणा ने गाड़ क्यों देने लाग रहा है मारे ते हिम्मत को ना तुम्हारी मां बाण ना गाड़ देगा तेरी गाड़ उठ लिया मार घर आ जाकर उनके जो तिर गाली देने वाले हैं ये टोटल बात हुई केस दर्ज किस पो यार रस्य पे अरे चकारा पर केस दर्ज किस लिए अब केस की सुनो किस लिए होया मैम में में वे गुंडे बदमाश कट्ठे हो रहे थे ये फेसबुक ये गुंडे सब उड़ा जा रहे थे तेरी गायल हां तेरी गैल हां वीर, हाँ वीर. मैम के अंदर छत्तर आदमी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है वीर साहू के ऊपर क्या किसी प्रशासन ने या किसी ने वे छत्तर आदमी बुलाए हैं भाई मैम में, में? उड़े उत्पाद मचा रहे थे जिनकी वीडियो सारी चीजें सब कुछ सारे के सारे सबूत आ रहे हैं उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं कोई उनको बुलाई नहीं कोई उनकी सुनवाई नहीं किस लिए भाई पता है क्यों क्योंकि उसकी पत्नी श्रीमती सपना देवी एक पार्टी की कार्यकर्ता है मेरे पर मुकदमा दर्ज आज से पंद्रह दिन पहले करवाया मुकदमा दर्ज इस बात का करवायाकारा ने अबर भाषा का प्रयोग है सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से हमारी बेजती करी है एक सिंगल आदमी यह बता दो भाई शुभकामनाएं देने में कौन सी बेजदील कौन सी है बद्र भाषा वो है मेरी लाइव वीडियो पाओगी जिसमें मन यह भी कह रहा है कि हमारी सब बाण है मारे छोड़ छोड़कर मारी सब बाण है अगर मारे ती को जिम्मेदारी लागू उसने भी नहीं मानने तैयार रहा बान कहने के बाद मारे पर यह केस दर्ज कराया है अक मैं एब का प्रयोग करता हूं। उनकी सोशल मीडिया पर बेजती करी है इस चीज के ऊपर मेरे पर मुकदमा दर्ज हो गया आद की बात ऐसा कानून भारत देश में पहली बार आया होगा हरियाणा में नहीं अब शुभकामनाएं देने पर किसी पे मुकदमा दर्ज हो जाए इसका कारण शेरप एक है मैं किसी पार्टी के झंडे ना उठा पार्टी के झंडे नहीं उठा रहा और ना ही किसी पार्टी के जाकर पानी मारता बीजेपी मारी इसलिए नहीं क्योंकि इनका ही समय राज है हमेशा कानून पर ही ओ सॉरी सरकार पर ही आरोप लगते हैं सरकार से ही सवाल जवाब करे जाते जिस दिन कांग्रेस पार्टी आ गई तभी सेम ये सवाल जवाब करे उस दिन कांग्रेस ये कह देगी ये तुम्हारे आए नहीं बीजेपी के हैं हमारे कोई को ये बताने वाला है क्या आम आदमी किसका है आज से पंद्रह दिन पहले यो मुकदमा दर्ज होया है मेरे को अब इसलिए बुलाया जा रहा है थाने में उसका कारण ये है बरोदा चुनाव आर्गे बरोदा उपचुनाव हार गए सब ज्यादा बोकने वाला सब ज्यादा बोलने वाला ये अरस छकारा है जिसकी गल्ला सबसे ज्यादा युवाओं का भाईचारा जुड़ा हुआ इसका मारो गेर का ठोकर इसका ठोकर मार दो सब कम अपने आप टूट जाएगा इसके आगे पीछे कुछ तो है नहीं ना ये तो कांग्रेस में जड़ मजबूती इसकी ना ये बीजेपी में जड़ मजबूती इसकी ना ही किसी और पार्टी में जड़ मजबूती इसकी यह सोच हाल फिलहाल सरकार की है ईब सुनो भाई अपनी भी बात अपनी भी बात कान खोल कर सुनो कल सुबह तेरा तारीख को आशी के अंदर सुबह के दस बजे उड़े में लोहा भाई थाने में पहली बात तो प्रशासन पर मन विश्वास है और फिर भी सरकार के दबाव में अगर कुछ गलत होगा सहन करने तैयार हा भाई जो बात कह दी लो की लकीर कह दिया आपा उल्टी नहीं लिया अगर थे सीधी बात है छो रहा उनकी शुभकामनाएं दी थी आज भी पोस्ट पड़ी है तुमने तो कितने फोन करा लिए कितना दबाव दिया ना तो तुमने काटा ना मैं काटू तो एक्सेप्ट करो कौन सी गलत बात है यार मतलब एक शुभकामनाएं देना भी गलत चीज होगी क्या इसका कारण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक है ये कुछ यहां पर जुड़े हुए अंध भगत जो मेरे को गालिया दे रहे जो मेरे को उल्टा बोल रहे हैं मेरे भाइयों भला हो थारा थारे घर परिवार पर थारे ऊपर कोई बात पड़ेगी थारे को पिछुआडे डे बला मारेगा थारा को झूठा केस लगेगा उस दिन थर तक पूछूंगा ये बातें ये शब्द कल सुबह भाई आशी सिटी थाने में सुबह के दस बजे उड़े भाई कौन सा मेरा फांसी टूटेगी के मरो के करेंगे दो चार दिन के लिए भीतर घेर देंगे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता सिर्फ दो चार दिन के लिए भीतर घेर देंगे और भीतर घेरने का भी कारण बता दू मन दुख हो है एक बात है मेरा जो भाईचारा ना वो पार्टिया में बट रहा है जब अपने आदमी पास है ना कोई गैल को ना लगता कोई गैल ना पाता इस बात का मेरे को दुख आज भी मेहनत करा सेवा करा मारे पता केस लाग गए हैं और जो और ये गुल उड़ा रहे उड़ाउड कमाओ से ले रहे हैं यो ए जीवन या ए सरकार ये कानून रह गए भाई एक बलात्कारी को साले को बार बगा देते हैं उसको अंदर तक नहीं डालते जेल में पोलिटिक्स पावर होने के कारण है संसद में कितने बलात्कारी चुनकर भेज रखे हैं चेक करो इनके रिकॉर्ड आराम एक बधाई देने पर हा केस वह भाई सरकार हुआ और लोग कहते हैं लोग एक बात और कहते हैं अब तू तो इस बात ना भाई सरकार का इसमें के दोष है सरकार का इसमें यो दोष है जो आपकी अभिनेत्री हुआ भाजपा पार्टी से है मैं लिख कर गारंटी के साथ कहता हूं किसी भी थाने में किसी भी कोर्ट कचहरी में आप लोग चले जाओ अगर आप लोगों का मुकदमा दर्ज हो जाए गारंटी देता हूं किसी को बधाई देने पर भी अगर आप लोग मुकदमा दर्ज करा दो तो यह काम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई करा सकता ना किसी की ताकत हो किसी की मजबूती हो किसी की सरकार हो वो मानस करा सके ये यह सरकार का फायदा नहीं था किस चीज का फायदा ठा रहे हैं ना तो भाई मैं किसी भी साथी किसी भी भाई को यह कहना चाहता कि कोई ऐद्र भाषा का प्रयोग करेगा कोई लाइव आकर वीडियो गेर का बोलेगा कोई गलत पोस्ट गिरेगा छह के छह हजार साथियों से एक विनती करता हूं कोई भी गलत काम मेरा चाने वाला मेरा भाई मेरे तो जुड़िया कोई भी उनके बारे में गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेगा ना गलत बोलेगा यह लड़ाई है झूठ की और सच की सही की और गलत की जिसको लड़ना है कल सुबह दस बजे मैं टाइम का पाबंद हूँ में आप लोगों ने मिल लूंगा सुबह के दस बजे और एक साथी से विनती है दूर का भाई कोई नहीं आऊगा राजस्थान आलिया के बीकानेर आया के झुंझुनू आया के बहुत गणे फोन आवे रिक्वेस्ट कोई भी भाई नहीं आओगे भाई कोई भी साथी दूर का नहीं आऊगा जो नजदीक के साथी हाँसी के इशार के जींद के मेहम के वे आ सकते हैं उनका स्वागत है जैत मेनू लगा हरा भाई सही है तारे भाई गल गलत हो रहा है आ सकते हो भाई और एक साथी मुंह का मास्क लगा का होगा क्योंकि एक केस सही है दो चार और बना देंगे फाद्या के है मेरे पर लग जाओ मन कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं मैं किसी आम पब्लिक पर अपने भाई पर केस नहीं लवाना चाहता भाई कदम को कोई ये सोचा है किसी भी साथी पर केस नहीं लवाना चाहता अच्छा होगा बुरा होगा बूढ़ा होगा सही होगा थारा भाई उसने सह होगा और थारा भाई थारे आगे खड़ा भाई दूसरी बात और कान खोल कर सुन लो आसमान का थूक्या मुंह पर गिरेगा हर एक बात का करारा जवाब मिलेगा हर एक बात का करारा जवाब मिलेगा लगातार से चार दिनों में अखबार में जो रस्सेकारा का नाम चल रहा था ना और रस्सेकारा पे पति पत्नी ने कराई एफआईआर और रस्सेकारा पे करवाया मुकदमा दर्ज हर बात का करारा जवाब मिलेगा ये मन पहले ही बता दिया था परसों की लाइव सुन लियो इब केस लगने शुरू होंगे किन पे उन पर जो सरकार के खिलाफ सही और गलत की आवाज उठाते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने चौबीस घंटे के बाद ही है सिर्फ चौबीस घंटे के बाद ही रिजल्ट है आप लोगों के सामने अगर आपने थोड़े को चुप रखा ना सबके पिछवाड़े पे जैसे लात मारी जा रही ना आप लोगों के बीमार दी जाएगी आज मेरे पे केस लगा कल आप लोगों पे लगेगा परसों आपके पिता पे लगेगा आपकी बहन पे लगेगा ड्राइंग टीचरों का लात मार दी पता होगा ना अभी अभी चुनाव आते ही ड्राइंग टीचर के थोपड़े पर मारे सबके साथ यही आलिश होना है आप पार्टियों के वर्कर बने हुए हो पार्टियों के झंडे उठाने वाले बन गए हो आप लोगों पर थप्पा लग गया किसी का जमीर जागता हो अगर ये लगता है रस्यकारा अच्छे काम कर रहा है वो आ जाना भाई मेरे साथ वरना किसी की जरूरत नहीं है अच्छा काम मैं करने लग रहा हूं ना तो अपना बुरा टाइम भी मैं अपने आप काटूंगा अगर मेरे पे केस उसने भी मैं मेरा परिवार है मेरा भाईचारा है अगर मेरे को जेल होगी उसने भी परिवार, मेरा परिवार नहीं है कोई मेरे को ये तो बता इसमें कौन सी धारा होती है शुभकामनाएं देने पर कोई नया कानून नई धारा आएगी क्या मैं भाई अपने जीवन का आज से हर एक दिन आखिरी दिन मान के जीवंगा जितनी मेरे तो उतनी लोगों की मदद इसलिए करूंगा हो सकता यो आखिरी दिन हो अगर कोई भाई अपने भाई की बात आते सहमत और मैं ठीक बात कह रहा हूं मेरे साथ आ सकते हो भाई कल सुबह यानी कि तेरह नवंबर को सुबह दस बजे आशी सिटी थाने के अंदर मैं जाऊंगा किसी भी भाई को कोई भी बेउदा काम नहीं करना है जो आने वाला हो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ भाई हो किसी भी भाई को गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है कोई भी भाई गलत कदम नहीं उठाएगा जैसे कि कल रात ने भी कई सहराम में ये इन दोनों पति पत्निया के पुतले फूके हैं भाई ये काम मत करो कोई जरूरत नहीं कोई एक नरेंद्र सहरा हो तो भाई कहे पॉलिटिक्स में उठ जा भाई अरे मेरे भाई बेना उठे मारा लाठी छूट रहे हैं उठे पीछे दम मरवा देंगे मरवा देंगे ये हम ऐसा काम है सरकार बेरा टीटूए पटे कर बीच में कपाट देगी न्यूचा वह है भाईचारे की ताकत दिख है और अरस के भाईचारे की ताकत है या कल आप, लोग मिल भाई। या कल आप लोगों ने दिखने को मिल तो को मिल जाएगी अगर हमारे तो कोई जड़ने वाला ना पांच प्रतिशत पिचानवे प्रतिशत आदमी हमारे से प्यार भी करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये ताकत ये भाईचारा कल आप लोगों को दिखाना है भाई आप लोगों को बता रहा हूं अगर मैं गलत कर रहा हूं कोई जरूरत नहीं है भाई बेशक मत देखाइयो दूर का कोई साथी आओगा नहीं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मैं अपने यारे प्यारे मित्रा न कदम परेशान नहीं करता कदे को दो सौ ढाई सौ किलोमीटर दूर तक चालका वह ये भाई कोई पार्टी नहीं हो रही शादी की ये कोई शादी की पार्टी नहीं हो रही ये आप समझ सकते हो क्या चीज है सारे भाईचारे से आखिरी बात सब भाई मास्क लगा के आऊंगे और ये दिखाऊंगे भाई अच्छे भाई अच्छे इंसान अच्छी टीम कैसी होती है कोई भी साथी कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊगा जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा चाहे सरकार मारत तो पांच चार केस और लगा दो हाँ यह बात सही कही महेंद्र सिंह भाई ने बीजेपी ज्वाइन कर लो केस खत्म हो जाएगा केस खत्म नहीं आप हम केवरा के, के सुपर सटारर के बना देंगे रोड़ा इस बात का है और कोई बात नहीं

उसको दबाकर सोड़े हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप एक बार अपने सारे भाईचारे में सारे का शेयर करके अपने काका दादा तो अपनी दिखाई होते हरियाणा में भी इस तरह भी केस बनने लग गए ये होता है चुनाव हारने के नतीजे आ रहा भुगता हम गजब का काम हो रहा है पंद्रह दिन पहले एफ दर्ज थी कोई पूछने वाला नहीं था उस टाइम प्रबंध क्यों ना करे कदम मुद्दा बन जा मुद्दा तो अब भी बनेगा इतना कमजोर भाईचारा नहीं है का चलो भाई मन्ना प्रोग्राम में जाना है हाल फिलहाल गोवाणा के अंदर गोवाना के साथी मिल चेकते हैं भाई आध घंटे में पहुंच लूंगा गोवाना गणेश मार्केट में अपना परवीन वर्मा भाई है जो सुनार जो गरीब बेटियों को चांदी की पजेब गुठी दान देता है उस भाई के पास वही मिलेंगे अभी पूरे के पूरे आध घंटे में घर से निकल लिया जो भी साथी वहां मिल सकता फोन ठान नहीं पाऊंगा भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दियो जो भाई आवे जिस भाई ने काम है नंबर जो है अपना आठ सौ उनतालीस अठासी, अठासी नौ सौ एक और जो भाई अपने भाई तक प्यार करने आके हैं।, हैं बाकी भाई अपने घर आ रो राम राम धन्यवाद जय हिंद